हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम कुंदरू की सब्जी बनाएंगे। कुंदरू को इस तरह से बीच में से काट कर, उसके साइड्स को पहले काट लिए थे, फिर इस तरह से बीच में से काट के अलग कर लिया है। तो इसी तरह से हमने अच्छे से कुंदरू को काट लिया है। ये हम मसाला बनाएंगे। तो एक प्याज को हमने इस तरह से काट के लिया है, 4 से 5 लहसुन की कली ली हमने, एक हरी मिर्च, इन सबको हम पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये हमने प्याज, लहसुन और मिर्ची को पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। बाकी की सामग्री हम देख लेते हैं। ये हमने 2 चम्मच दही लिया है, आधे प्याज को बारीक कट कर ले लिया है, हरा धनिया है 1 चम्मच, अदरक ग्रेट करके लिया है, 2 सूखी लाल मिर्च ली है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम अमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पचफोरन, 1 चम्मच बेसन, चुटकी भर हींग, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच से थोड़ा कम शक्कर, ये दही के खट्टेपन को बैलेंस करेगा और इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा, नमक स्वाद के अनुसार। 1 टमाटर को इस तरह से हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुंदरू को फ्राई करेंगे। तो उसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रखा है। तेल गर्म हो गया अब हमारा, तो इसमें हम कटे हुए कुंदरू को डाल देंगे। सब्जी को हम मीडियम हाई आंच पे ही बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए हर 1 से 2 मिनट पे हम इसको इस तरह से पलटते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे, जिससे कि इसके ऊपर थोड़ा सा ये इस तरह से हल्का सा ब्राउन सा लेयर आ जाए। कुंदरू को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है मीडियम हाई आंच पे। जब कुछ इस तरह के ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसको तेल में से निकाल लिया है फ्राई करके। तेल हमारा गर्म है तो इसमें हम पचफोरन डाल देंगे। पचफोरन को हम थोड़ा सा भून लेंगे, फोरन का कलर चेंज हो गया है तो इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे। मिर्च भी भून गया है तो हींग पाउडर डालेंगे हम इसमें। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसमें हम तैयार किया हुआ प्याज, लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। और इसको भी अच्छे से हम भूनेंगे। साथ में हम नमक को भी डाल देंगे। प्याज और लहसुन अच्छे से भून गया है अब तो इसमें हम बेसन डाल देंगे और इसको भी लगभग 30 सेकेंड तक इसके साथ भून लेंगे। ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाल देंगे इसमें। और साथ ही साथ कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे। और अब हम टमाटर प्याज को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि टमाटर हमारा अच्छे से गल नहीं जाता। टमाटर भी हमारा अच्छे से गल गया है। आधा हरा धनिया भी डाल देंगे, बाकी का बचा हुआ बाद में हम डालेंगे सब्जी में। मसालों को हम इसमें हम डाल देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, शक्कर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला। सारे मसालों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। आंच को हम इस टाइम पे लो कर देंगे मसालों को मिक्स करने के बाद। और ये जो दही रखा है हमने उसको भी इसमें डाल के मिला लेंगे। दही को हमने अच्छे से मिला लिया है। तो दही मिलाते टाइम आप आंच थोड़ा लो ही रखें, जिससे कि दही हमारी अच्छे से मिल जाए और फटे ना। आंच को अब हम बढ़ा लेंगे और मसालों को अच्छे से अब हम भूनेंगे। मसालों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। लगभग 5 मिनट तक हमने इसको मीडियम हाई आंच पे अच्छे से भून लिया है। देख सकते हैं आप, इसमें से अब तेल भी अलग होने लगा है। इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे।
सब्जी में अब हम अच्छे से उबाल आने देंगे। सब्जी में उबाल आ गया है तो इसमें हम फ्राई किए हुए कुंदरुओं को डाल देंगे। और कुंदरू को ग्रेवी के साथ लगभग 5 मिनट तक पका लेंगे जिससे कि ग्रेवी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इसको हमने 5 मिनट तक अच्छे से ग्रेवी में पका लिया है। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी कुंदरू की सब्जी बनके तैयार है। इस सब्जी को आप रोटी या पूरी पराठे के साथ एंजॉय करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।